जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पिछली कक्षा में हम अनर्थ सूत्र के विषय में पढ़ रहे थे। अनर्थ सूत्र के दौरान हमने काउत्सर्ग के बारे में आपको बताया। हमें काउत्सर्ग निर्दोष रूप से करना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लगे। शास्त्रों में 19 प्रकार के दोष बताए हैं। तो वो दोष कौन कौन से होते हैं, उन दोषों का जो है एक्शन, हमारे साथ में हमारी कक्षा के स्टूडेंट आए हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीचरण माझी, गोविंदपुर बाड़ी, हम यहीं पर पढ़ते हैं। आज 19 प्रकार के दोष के बारे में सीखेंगे। तो 19 प्रकार के दोषों का एक्शन वो हम सबको करके बताएंगे। चलिए तो एक एक करके 19 दोषों के बारे में आपको समझाते हैं। पहला दोष है घोड़क दोष। जैसे घोड़ा खड़े रहते समय एक पैर टेढ़ा या ऊंचा रखता है, वैसे ही काउत्सर्ग में एक पैर टेढ़ा या ऊंचा रखने से यह दोष लगता है। दूसरा दोष है लता दोष। लता की तरह काउत्सर्ग में शरीर कंपित करने से ध्रुजन से यह दोष लगता है। तीसरा दोष है स्तंभादिक दोष। खंभे या दीवार से सहारा लेने पर स्तंभादिक दोष लगता है। चौथा दोष है माल दोष। कायोत्सर्ग करते समय छत को मस्तक से स्पर्श करने पर माल दोष लगता है। पांचवा दोष है उद्धि दोष। दो पैर बिल्कुल जोड़ देने से यह दोष लगता है। छठा दोष है निपव दोष। जैसे कारावास के बेड़ों में डाल दिए हों, वैसे पैर ज़्यादा चौड़े रखकर खड़े रहना। सातवां दोष है शबरी दोष। भीलड़ी की तरह अपने गुहांग पर हाथ रखकर कायोत्सर्ग करना। आठवां दोष है खलीन दोष। लगाम की तरह रजोहरण या चरवले को पकड़ना। नौवां दोष है वधु दोष। वधु की तरह मस्तक नीचे रखकर कायोत्सर्ग करना। दसवां दोष है लंबुत्तर दोष। चोल पट्टा या धोती को नाभि से 4 अंगुल से ज़्यादा ऊंचा पहनना। ग्यारहवां दोष है स्तन दोष। स्त्री की तरह स्तन पर कपड़ा ढककर कायोत्सर्ग करना। बारहवां दोष है संयति दोष। साध्वी की तरह मस्तक के अवयवों को संपूर्ण ढककर कायोत्सर्ग करना, वह संयति दोष कहलाता है। तेरहवां दोष है भ्रमितांगुली दोष। नमस्कार, महामंत्र आदि गिनते गिनते अंगुली या नेत्र की भौहें घुमाने से भ्रमितांगुली दोष लगता है। चौदहवां दोष है कौवा दोष। कौवे की तरह इधर उधर देखने से कौवा दोष लगता है। पंद्रहवां दोष है कैथ दोष। धोती के मलिन होने के भय से, भौरे के भय से धोती की पाटली को गोल बनाकर दोनों पैरों के बीच दबाकर कायोत्सर्ग करना। सोलहवां दोष है सिरकंप दोष। कायोत्सर्ग में मस्तक हिलाते रहने से यह दोष लगता है। सत्रहवां दोष है मूक दोष। गूंगे की तरह हूँ हूँ करने से यह दोष लगता है। हूँ 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 हूँ। अठारहवां दोष है वारुणी दोष। जैसे शराब पकती है तब उसमें बुट बुट की आवाज़ होती है, वैसी ही आवाज़ कायोत्सर्ग करते समय करने से यह दोष लगता है। नम 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 नम। 19वां दोष है प्रेक्षा दोष। बंदर की तरह ऊपर नीचे दृष्टि घुमाने से यह दोष लगता है। साध्वी जी भगवंत को लंबुत्तर, स्तन व संयति दोष नहीं लगते, क्योंकि उन्हें अपने सभी अंग वस्त्र से आच्छादित रखने चाहिए। गृहस्थ स्त्रियों को भी लंबुत्तर, स्तन व संयति दोष नहीं लगता, साथ ही साथ उन्हें वधु दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि लज्जा स्त्री का भूषण होता है, इसीलिए उन्हें दृष्टि नीचे रखकर कायोत्सर्ग करना चाहिए। इस तरह हमने काउत्सर्ग के 19 दोषों के बारे में जाना। हमें यही प्रयास करना चाहिए
कि 19 दोषों को टालते हुए हम शुद्ध रूप से का उत्सर्ग करें। अब अगली कक्षा में हम लोगस्य का पाठ करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।